ओम शांति। मुरली शब्द कोश को कंटिन्यू करते हैं। माशूक अर्थात वह जिसके साथ प्रेम किया जाए, प्रियतम, तो हमारे लिए परमात्मा शिव बाबा हमारे माशूक है, और आशिक माना प्रेम करने वाला, चाहे फिर वो मनुष्य हो या भक्त हो, चित्त से चाहने वाला मनुष्य आत्मा माना हम सभी आत्माएं आशिक है और शिव बाबा हमारा माशूक है। खुदाई खिदमतगार अर्थात ईश्वर की खिदमत या सेवा करने वाला, रिंचक मात्र अर्थात बहुत थोड़ा, हमसो सोहम का अर्थ होता है भक्ति मार्ग में आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। पर ज्ञान मार्ग में शिव बाबा ने समझाया ये अर्थ बिल्कुल गलत है। हमसो का सही अर्थ है हम देवता, क्षत्रिय, वैश्य, सो शूद्र। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं, सो फिर से देवता बनने के लिए प्रारब्ध अर्थात प्रालब्ध माना तीन प्रकार के कर्मों से वह जिसका फलभोग आरंभ हो चुका हो, एक भाग्य से मिलती है प्रारब्ध, फिर किस्मत से या जैसे जो प्रारब्ध में होगा वही मिलेगा। नेक्स्ट है अचल अडोल, मतलब जो ना डिगने वाला हो ना हिले, हिले डोले नहीं, अर्थात हमेशा स्थिर रहे। फ्रॉग दिल माना बड़ा दिल। उल्हना अर्थात उल्हना मीन्स शिकायत, किसी की भूल या अपराध को उससे दुख पूर्वक जताना, किसी से उसकी ऐसी भूल चूक के विषय में कहना सुनाना जिससे कुछ दुख पहुंचा हो। तो बाबा हमें कहते हैं ना, बाबा आए हैं ये संदेश सभी मित्र संबंधियों को पहुंचा दो, ताकि कोई लास्ट में उलहना ना दे के आपको तो पता था फिर आपने हमें क्यों नहीं बताया। गोपी वल्लभ माना महाभारत में वर्णित गोप गोपियों के अत्यंत प्रिय श्री कृष्ण, जिनकी मुरली की धुन सुनने के लिए अपनी सुध-बुध खोकर कामकाज छोड़कर चले आते थे। वास्तव में हम बच्चे ही वही गोपियां हैं जो नित उस परम प्रिय शिव बाबा अर्थात गोपी वल्लभ को याद किए और मुरली सुने बिना नहीं रह सकती है। मुझे अर्थात स्वीकार करने वाला, जवाब देने वाला। फिर सत्यम शिवम सुंदरम मीन्स जो अविनाशी चिरंतर शाश्वत है वही सत्य है। सुंदरता का तात्पर्य किसी दैहिक या प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं है, वह तो क्षण भंगुर है ना। सुंदरता वास्तव में पवित्र मन, कल्याणकारी आचार और सुखमय व्यवहार है। इस सुंदरता का परचिंतन स्रोत शिव ही है। शिव क्या है? शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। जो कल्याणकारी है वही सुंदर है, और जो सुंदर है वही सत्य है। इस प्रकार सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मंत्र का बीज शिव ही है, अर्थात इस सृष्टि की कल्याणकारी शक्ति है। कशिश माना आकर्षण, खींचाव, झुकाव या रुझान। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों को ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचर्य दो शब्दों अर्थात ब्रह्म और चर्य से बना है। ब्रह्म का अर्थ परमधाम, चर्य का अर्थ विचरना, अर्थात परमधाम में विचरना, सदा उसी का ध्यान करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। वास्तव में ब्रह्मचर्य काम विकार से संपूर्ण मुक्ति है। पवित्रता का आधार स्तंभ है ब्रह्मचर्य। ग्रहण अर्थात स्वीकार करना, धारण करना
या पहनना। विक्रात्मना चिंता, सोच, खटका, ध्यान देने योग्य। स्थूल माना बड़े आकार का, जो सूक्ष्म न हो, अर्थात जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा स्पष्ट दिखाई या समझ में आने योग्य हो। सूक्ष्म माना बहुत छोटा, पतला या बारीक, जो अपनी बारीकी के कारण सबके ध्यान या समझ में जल्दी न आ सके। गोरख धंधा मीन्स गड़बड़, गड़बड़ी करने वाला, घपलेबाजी मारने वाला, गोलमाल करता है जो, और अनियमितता है। गोसाई माना श्रेष्ठ, मालिक, शिव परमात्मा या स्वामी। साक्षी होना माना गवाह, दृष्टा, देखने वाला। आत्मा की बुद्धि रूपी आंख से मन के विचार या किसी घटना को देखने वाला। मन के विचारों के दृष्टा को साक्षी कहते हैं। जब हम निर्विचारक बन अपने विचार को देखते हैं, तब हम साक्षी होते हैं। जब हम सिर्फ विचार करते हैं, तब हम मन या विचारक होते हैं। साक्षी वह है जो सिर्फ देखता है, सिर्फ दृष्टा है, दृष्टा से भिन्न कभी कुछ भी नहीं है। और दूसरी तुम्हारी देह है, तुम्हारा मन है, तुम्हारा संस्कार है, तुम्हारे विचार है। ये सब तुम्हारे साक्षी के सामने से गुजरते हैं। सौगात अर्थात वह वस्तु जो इष्ट जनों को देने के लिए लाई जाए, भेंट, उपहार या तोहफा। पद्मा पदम गुणा माना गणित में 16वें स्थान की संख्या, जिसे 100 नील कहते हैं, जो लिखी जाती है ना, तो एक नील माना 100 अरब, अर्थात उसमें एक के बाद में 15 जीरो लगते हैं। संगम पर किया हुआ पुरुषार्थ पद्मा पदम पदम गुणा फलदायी होता है। इसी को कल कंटिन्यू करेंगे, रात्रि क्लास 9:45 बजे। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, और प्रातः मुरली क्लास 5:45 बजे। ओम शांति।